चीन से फैले खतरनाक कोरोना वायरस का आंकड़ा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी इस वायरस पर अपनी पल पल की नज़र बनाए हुए है। ये वायरस पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम आपको ऐसे 10 वायरस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 एक खतरनाक वायरस की वजह से होने वाला संक्रमण है। इस वायरस ने 2009 में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। इस दौरान स्वाइन फ्लू की वजह से दुनिया भर में 2,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इबोला एक खतरनाक वायरस है जो कि 2014 से 2016 तक पश्चिम अफ्रीका में काफ़ी जानलेवा साबित हुआ था। इस वायरस से करीब 11,000 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। यह वायरस सबसे अधिक 1976 में देखा गया था। रोटा वायरस छोटे बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण है। यह डबल स्ट्रैंडेड RNA विषाणु की एक जाति है। लगभग 5 वर्षों की आयु में विश्व के लगभग सभी बच्चे रोटा वायरस से कम एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं। स्पेनिश फ्लू दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस स्पेनिश फ्लू ने दुनिया की करीब 1/3 आबादी को अपना शिकार बना लिया था। यह वायरस सबसे पहले यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा गया था, जिसने करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी। जीका वायरस एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से मच्छर के काटने से होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर वायरस को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। भारत में हर साल लगभग 5,000 मामले जीका वायरस के आते हैं। गर्भवती महिला को जीका वायरस होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। HIV AIDS का पहला मामला 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में देखने को मिला था। इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर विकराल रूप से 2005 से 2012 के बीच धारण किया। इस वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा सब सहारन अफ्रीका के क्षेत्र में देखने को मिला था। डेंगू बुखार मच्छरों से फैलने वाले डेंगू बुखार से हर साल 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। भारत और थाईलैंड जैसे देशों में डेंगू का खतरा काफ़ी बड़ा है। डेंगू से रक्तवाहिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती है या रिसने लगती है। रक्त प्रवाह से प्लेटलेट्स गिर जाते हैं जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। चेचक एक संक्रामक बीमारी थी जो 2 वायरस वेरिएंट में से एक वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर के कारण होती है। अक्टूबर 11 में स्वाभाविक रूप से होने वाले अंतिम मामले का निदान किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 में से इस बीमारी के वैश्विक उन्मूलन को प्रमाणित किया। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे SARS बोला जाता है, अभी चीन में फैल रहे नोवेल कोरोना वायरस की तरह ही SARS भी एक कोरोना वायरस का प्रकार है जिसका प्रकोप 2003 में पूरी दुनिया में फैला था। SARS एक खतरनाक वायरस है जिसने 26 देशों के लोगों को अपना शिकार बनाया था और करीब 774 लोगों की मौत का कारण भी बना था। कोरोना वायरस मामूली सर्दी जुकाम और फिर मौत, चीन से फैला यह वायरस पूरी दुनिया के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो रहा है। इस वायरस से निपटने के लिए कोई तोड़ नहीं निकला है, हालांकि लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है।